फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मालपुआ, और वो भी बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए मालपुए की चाशनी बनाने से शुरू करते हैं। एक बर्तन में आपने लेना है 1.5 कटोरी चीनी, इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी पानी, और इसे बॉईल आने देंगे। और जैसे ही आपकी चाशनी में बॉईल आने लगे, आप फ्लेम को कर देंगे लो और इसे पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक। हमें बहुत थिक चाशनी नहीं चाहिए, बस उसे छूने पे जैसे आप हनी को टच करते हैं और उसकी थिकनेस लगती है शहद को टच करने पे, बस उतनी थिकनेस चाहिए। और हमें एक तार वाली भी नहीं चाहिए, सिर्फ हल्की सी थिक हो जाए उतना मन से पकाना है। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ केसर और आधा चम्मच इलायची पाउडर। हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है और हमने फ्लेम बंद कर लिया है। आइए हम मालपुआ का बैटर बना लेते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप मैदा लेंगे, 2/3 कप मिल्क पाउडर लेंगे, यानी 2/3 कप मिल्क पाउडर। इसे एक अच्छा सा स्टर दे देंगे। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। वैसे तो मालपुए कई तरीके से बनते हैं, आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हैं, ये मैदे से भी बनते हैं, और इसमें भी कई सारी इंग्रेडिएंट्स पड़ती हैं, वेरिएशंस होता है काफ़ी। आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मावा यानी खोया ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं इसलिए हमने इसमें कोई कंडेंस मिल्क या मावा ऐड नहीं किया हुआ। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक लंप फ्री बैटर रेडी करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच सूजी यानी रवा। ये देखिए, हमने इसे काफी पतला रखा है, इसे इतना ही रखना है हमें। बहुत ज्यादा थिक रखने पे आप जब इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये राइट कंसिस्टेंसी है, और इतनी कंसिस्टेंसी के लिए मैंने, ये आप देख सकते हैं अभी भी दूध बचा हुआ है, मैंने 2/3 ग्लास मिल्क यूज़ किया है, 2/3 हिस्सा ग्लास का। तो आइए इसे फ्राई कर लेते हैं। एक नॉन स्टिक पैन में हमने घी लिया है अराउंड 1.5 कप जितना। आप चाहें तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं इसे, मगर जो स्वीट डिश होती है उसका घी में जो जायका होता है वो अलग ही होता है। तो घी को हम पूरी तरह से मेल्ट करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम मालपुए डाल देते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक ही जगह पे आपको डालना है, वो अपने आप जो बैटर है वो फैलने लगेगा। टर्न कर लेंगे इसे। जितना आपके पैन में जगह हो उतना ही आप ऐड कीजिए, इसे ज़्यादा ओवरक्राउड मत कीजिएगा, इसलिए मैंने भी 1-1 करके इसे ऐड किया है। ये देखिए, इसमें ना हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, इसे निकाल लेंगे। ये हमने मालपुए फ्राई करके निकाल लिए हैं, इसे ठंडा होने देंगे 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद इसे चाशनी में डिप करेंगे। ये जो चाशनी हमने बनाई थी उसमें हम हमारे मालपुए जो हैं वो डिप कर लेंगे। और इसे तकरीबन 1/2 घंटे तक चाशनी में ही रहने देंगे ताकि ये अंदर तक पूरा चाशनी अब्सॉर्ब कर ले। तो रेडी है हमारे यमी टेस्टी डिलिशियस मालपुए। ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस हैं, इसे ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।